रजा का बहुत बहुत यार के कुछ भी दिया भाई भाई, भाई, भाई बंदे ने पार्टी दी। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई मेरी दिल की धड़कनों क्या हाल चाल आप सभी के। सो गाइस तो मैं आ चुका था अपने स्टूडेंट का इंग्लिश स्पीकिंग वाली क्लास में। मैंने देखा तो ये सरका ये लगा हुआ है भाई, और रिंग लाइट के साथ पूरा स्टैंड। यहाँ पर हम मास्टर हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो भाई ये तो हमारा हो चुका है बिल्कुल। और लाइट जलाने के लिए अभी इतना तार वगैरह उसमें लगा हुआ नहीं है, केवल ही इसका इसमें ही है। बाकी कैसा लगा तो ये छोटी वाली रिंग लाइट लगी है, इस पर बड़ी वाली नहीं है। बाकी यहाँ के जो स्टूडेंट हैं शायद दूसरी क्लास में और ये भाई सब पढ़ रहे हैं। सो गाइस क्लास तो अपनी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अपने भी जहाँ मुझे मतलब यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पास फ़ोन आया फैज़ान का, रजा का फ़ोन आ चुका है जिसने फ्लिपकार्ट पर बुक कर दिया था फ़ोन अपना, क्योंकि वैसे शॉप पर तो उसका कहीं पर भी फ़ोन मिला नहीं था इस वजह से। तो वैसे तो हमारा जो एड्रेस रहता फ्लिपकार्ट का वो यहाँ पर रहता, पर वो जल्दी आ गया था फ्लिपकार्ट वाला लड़का, तो वो आगे जाके खड़ा हो गया, तो मैं इसलिए मैं उतर गया था। अब उसका दोबारा से फ़ोन आया कि यार वो आ जा वहाँ पर हम मिलेंगे। तो उसका फ़ोन आया, देखते हैं भाई बहुत दिनों से वैसे फ़ोन के लिए परेशान था वो शॉप पर, तो वो फ़ोन कहीं नहीं मिला। और मिल गया था तो फिर उसकी रैम अलग मिल रही थी, और रैम अलग मिल रही थी तो अगर रैम भी सेम मिल रही थी तो फिर कलर मिल गया था, मतलब उसे जैसा फ़ोन चाहिए था वैसा मिल नहीं गया था। अब फाइनली उसका फ़ोन मिल चुका है बिल्कुल वही, ऑनलाइन करने के बाद और काफ़ी दिन इंतजार करने के बाद आज उसे मेरा बिल्कुल अब्दुल्ला आज उसकी डिलीवरी आ चुकी है। तो हम डिलीवरी लेने के लिए आए हैं वो भी और मैं देखते हैं। आज हाँ एक बात और देखी मैंने कि आज जो है सारे पेट्रोल पंप वाले हड़ताल में, ये मुझे समझ बात नहीं आई है तो मुरादाबाद ज़िले में है सब में ही, शायद मुरादाबाद ज़िले में हो। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं आज हड़ताल पर है। तो देखते हैं भाई क्या क्या होता है, लेकिन चलो बाकी मैं उसका जल्दी से पहुँचता हूँ उसके स्पॉट पर और वहाँ मोबाइल की डिलीवरी मैं ही ले लेता हूँ। तो भाई वो जो पार्सल लेकर आने वाले फ्लिपकार्ट वाले वो है, तो वो तो यहाँ से निकल चुके हैं और मैंने यहाँ पर जो बताया यहाँ पर कोई नहीं है। तो मैंने जल्दी फैजान को फ़ोन करके बता दिया कि भाई वो यहाँ पर वही ना, फैजान ने उसको फ़ोन करके पूछा तो बोला कि मैं तो बहुत आगे आ गया तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा वहाँ। तो फैजान आ रहा है अभी, उसके बाद फिर हम चलेंगे, वो मुझे यहीं पर ही मिलने वाला है दो स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट के, दोनों के दोनों जा रहे हैं शायद। तो फाइनली गाइस बहुत देर इंतजार करने के बाद दोनों मिल आ चुके हैं, ये बहुत देर इंतजार करवाया यार, जल्दी आ जा भैया मैं कैसा था तू कहता बता दे। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने स्पॉट पर, यहाँ पर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कोई डिलीवरी वाला। तो आज शायद आज क्या है पेपर है ना आज, पता नहीं इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। ये IFTM कॉलेज यूनिवर्सिटी यार कॉलेज कह रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ बैठ। तो ये हाँ यूनिवर्सिटी IFTM यूनिवर्सिटी, वाह आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, ये समझ नहीं रही किस लिए है इतनी ज़्यादा भीड़। वहाँ से उधर जाके खड़े हुए हैं बिल्कुल अंदर जाकर, पता नहीं क्या काम है वहाँ से बुला रहे हैं हमें फ़ोन कर करके, देखते मिल तो है भाई कोई वहाँ पर ही आके जो लेकर आए हैं इनका फ़ोन, और इस वाले बैग में लेकर आए हैं ये फ़ोन। फुल कैश गिनता हुआ यहाँ पर रजा के फ़ोन का, हम तो ना देख लियो जिनने तो देखा था पूरा। यहाँ पर रजा करते हुए अनबॉक्सिंग बढ़िया तरीके से, अरे जा रहन दे क्या अनबॉक्सिंग करेगा रे तू। हाँ टैप ना हो रही, तो यहाँ पर देखते हैं गरम गरम निकलेगा अंदर से फ़ोन, रजा का फ़ोन निकाल उसको ऐसे ही कर ले देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये कर दिया रियलमी, ये रहा इसका बिल। ओ भाई कितने का पड़ा है ये, 15,999 रुपये का। और जी साहब तुम्हारा ये है रियलमी 8 5G सुपर नी सुपर सोनिक ब्लू 128 में है ये, रैम कितनी है इसकी 8 128 वाला फ़ोन। पता नहीं क्यों रजा साहब क्यों नहीं हो रही है, समझो बात नहीं आ रही मेरे अनबॉक्सिंग। और रजा न्यू फ़ोन, इस फ़ोन को लेने के लिए
सब जगह ट्राई कर लिया पर मिल नहीं रहा था, आखिरकार ऑनलाइन करना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, इसके अंदर एडाप्टर एंड डाटा केबल, चार्जिंग केबल जो आती है, और जी प्लस पिन्नी के अंदर रखा है ये, बहुत अच्छी पैकिंग के साथ। वाह सुपर, गर्म है, ठंडा है यार, क्यों? हाँ ये है ना। सो गाइस, तो फोन सही है, बढ़िया लग रहा है ये देखने के लिए, उसम दिख रहा है। तो मेड इन इंडिया रियली, इसका इसका ये फिंगरप्रिंट, इसका बटन में है ना साइड वाले लॉक वाले, कितने का? 16 का। हाँ मैं 18.5 का है, 16 ये धोखे में हो गया, 16.5 का हमने मेरे पे टिक कर दिया, ऑर्डर कर दिया। तो इसका मतलब तुम्हें 2500 रुपये का फायदा हो गया है, फायदा उठा लिया, मौके का फायदा उठा दो रजा ने, 18.5 हज़ार का फोन और 16 हज़ार में मिल चुका है यहाँ पर। पूरे अच्छी तरीके से हमने देख लिया फोन वोन, और इसके अंदर कुछ और भी आया क्या? कुछ कार्ड वूड वगैरह, स्क्रीन कार्ड का सिस्टम आता है वो, एडाप्टर बहुत मोटा आया भाई, कितने वोल्ट का एडाप्टर है जी? 5 वोल्ट का चार्जर है यार, 5। चलो भाई पैक कर दो, अब लेकर चलने हैं। तुम इसको हम रख दे, बिल रख लिया ना इसके अंदर, ये हमने पैक कर दिया। इसको फाइनली गाइस रजा का फ़ोन आ चुका है, ये रहा, और बाकी हमें फैज़ान को देखना पड़ेगा यार। फैज़ान किसी के पास रुक गया था, कोई जान पहचान वाले मिल गए फैज़ान के, इसलिए। और बाकी तो यहाँ पर जो पेपर हो रहा है आज, यहाँ पर पेपर है जो उसका UPJEE का, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, मैंने देखा था वहाँ पर। फैज़ान अभी वहाँ पर ही बैठा हुआ है उनके पास में ही, तो चल के मैं देख लेता हूँ। अनबॉक्सिंग कर ले तू भी, यहाँ पर बैठा है फैज़ान, हम अंदर से लेके पास। सो गाइस, तो मैं अभी रजा के बैक और फ्रंट कैमरे की वीडियो बनाऊंगा, जो मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसी कैमरे से, फिर तुम बताना उसका कैमरा कैसा है, अच्छा है या मेरे साथ आए, मेरे से बेकार है, कैसा है। सो गाइस, ये बन रही है रजा के फ़ोन से वीडियो, तो मुझे तो फिलहाल कैमरा बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका, लेकिन फ़ोन यार थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे फ़ोन से, तो खैर छोटा है, बाकी भाई 5G फोन है बढ़िया। मैं इसको दिखाता हूँ तुम्हें बैक से, मेरा कुछ बैक का नज़ारा इस तरीके का है, ये बैक बैक से है ये, इस तरीके की वीडियो, जैसी भी आप खुद देख लीजिए। हमारा हो गया जाने के लिए बिल्कुल टाइम, तो फैज़ान बैठेगा पहले, उसके बाद बैठने वाला हूँ मैं। यहाँ पर फैज़ान और तीनों बैठते हो, मोबाइल रख लिया ना सारा सामान, देख लिए कभी फोन करा के निकलते हो भाई? 16 हज़ार का फोन है, 18.5 हज़ार का, 16 हज़ार का मिल गया, इसका 4 हज़ार का तो क्या फायदा हुआ? अबे हाँ, हमें पार्टी ना देना, तो भाई साहब आप ही बता सकते हो हमें कितनी बड़ी पार्टी मिलनी चाहिए, मतलब अगर मैं कुछ लेकर आता तो मुझसे तो ले लेते, कुछ नहीं, इंसान जो इसके पार्टी है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर इस शॉप पर, तो यहाँ पर हम कुछ खाने वाले हैं, क्योंकि रजा देने वाला हमें पार्टी, देखते हैं हमें क्या पार्टी देने वाला है यार। बाकी हम सोच रहे हैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा तो अच्छी बात है भाई, बहुत फायदा हुआ है, एक एक समोसा लुटवा दे हमें। चलो तो कुछ भीड़ भाड़ करने वाले हैं अंदर को, तो यहाँ पर जाएंगे भाई अंदर, देखते हैं क्या क्या कुछ क्या दिलवाने वाला भाई रजा हमको। बाकी चीज़ मैं कहाँ पर बैठा हूँ, तो गाइस फाइनली यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है लस्सी और समोसे का। सो गाइस, तो ये रहा हमारा कुछ ऑर्डर, लस्सी और समोसे, चटनी और लेकर आ रहा है वो, फिर मैं इसको खाता हूँ, उसके बाद इसका टेस्ट वेस्ट बताता हूँ। बाकी हम रजा का बहुत बहुत यार के कुछ भी दिया भाई, भाई बंदे ने पार्टी दी, और ये है इन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, अभी तक नाम निशान तक नहीं लिया है बंदे। सो गाइस अपना हो चुका है, पार्टी सार्टी जो भी खिलवा दिया, नाश्ता ही मानो इस तरह का, मेरे पास बैग है पीछे इसलिए बैठा हूँ, तो गाड़ी स्टार्ट कर दी है। तो गाइस आ गई है बारिश, मतलब तो पैसे खर्चा हो रहा था, हल्की हल्की धूप आ गई है, मैं इससे पता गाड़ी तेज चला के रखी आज, हल्की चला के अपना बोलते चला रहे हैं अब चलाए इस पर। सो फाइनली गाइस, मैं पूछूँ घर पर, वो फैज़ान और रजा चले गए दोनों मोबाइल लेकर, तो अब थोड़ा लंच वंच वगैरह बन गया, तो लंच जाऊँगा मैं बाहर को उनके पास में, मुझे आज को नोटबुक में कुछ नोट करना है। तो हे गाइस, तो मैं थोड़ा सो गया था उस टाइम पर, तो मैं उठाऊँ शाम के बज रहे हैं 5:30, तो इस टाइम मैंने और ये है नदी फाइव ने नाम है ना तेरा, अभी कुछ और कह रही हूँ मैं, मैं तो नाम ही भूल गया ईमानदारी से, पता नहीं क्या हो गया मेरे सामने। तो ये और मैं कहीं जा रहे हैं, ये इन्हीं का ही ढेर है, इवन यहाँ पर बनाने वाले हैं, हमारा घर जो है वो इधर वाला है, ये वाला ये हमारा घर है, ये हमारे पड़ोसी हैं,
तो ये गाड़ी लेकर जा रहा है कहीं घूमने के लिए। मैं बोला मन की यार मैं भी चल रहा हूँ भाई, ब्लॉग शूट कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो ये लेकर आएगा गाड़ी निकाल ली। तो गाइस आ चुके हैं भाई हम यहाँ पर। मैं तो वैसे 3-4 दिन से रोज में है यहाँ यार, यहाँ से हट के नहीं जा रहा है। चल भाई थोड़ा आगे लेके चल, भैया थोड़ा आगे लेके जाएगा भाई। बूंदा आने लगी, मतलब यार दोपहर क्या निकला जब बारिश आ गई, अब निकला जब बारिश आ गई, घर से निकलने नहीं दे रहे मेरे को आज। ऐसे लग रहा है यहाँ पर कुछ मदरसे जो अच्छे हैं, पास में मदरसे हैं यहाँ पर, यहाँ पर पढ़ते सारे के सारे सारे हैं। सो गाइस तो आज घूमते फिर रहे हैं हम भाई खेतों में, अपने यहाँ के जंगल में। तो ये दिखा रही है मुझे अपने खेत जहाँ पर हैं, हमारे तो खैर खेत ही नहीं है, घूमने भी तो मुझे पता नहीं कहाँ पर आते हुए हमारे ट्रेनर साहब। तो ये ऐसे ही काम करते हैं, बस करते हैं तुम्हें यूट्यूब पे। तो गाइस अगर किसी कुछ अगर टिप्स उप्स वगैरह का लेनी हो तो आप कमेंट करके बता दो, मैं इनका नंबर लिख दूंगा। ये बोर्ड ही दोगे यार बंदे, ये ट्रेनर है हमारे यहाँ जिम के, बहुत बढ़िया सिखाते हैं। उनका मोबाइल नंबर डाल दूंगा मैं इसमें डिस्क्रिप्शन, आकर पहले कमेंट करके तुम बताओ डालूं या नहीं डालूं, कि उसके बाद डालूंगा। और ये जो बैठा है यहाँ पर जिसान, ये इसकी मैंने वीडियो डाली थी, बहुत खुश है भाई बंदा, कह रहा है यार इतने सारे इतने बहुत से व्यूज आए मेरी वीडियो पे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। हे गाइस तो मैं आ चुका हूँ अपने घर की छत पर, छत पर ही बैठने के लिए आया था यार, थोड़ा मौसम भी बढ़िया हो रहा है तो मुझे थोड़ा हवा लग जाए। तो यहाँ पर 2-4 जने बैठे रहते हैं, पर इस टाइम कोई नहीं है, शायद आ गए। तो आ चुके हैं छोटे छोटे बच्चे। तो अपनी वीडियो को मैं यही रोकता, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक करता ना यार, अगर आप चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स करके बताते रहो यार मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय।